ख्याल से मारने की धमकी दे रहा है, पुलिस प्रशासन हमारी सुरक्षा करेगी। जगह चले तो आप लोग ले लो, हमें नहीं चाहते भैया वह जगह। हमारे पूरे परिवार को खतरा है, मरवा डाल रहे लोग तो भैया। पूर्व मंत्री एवं बीजेपी नेता वीरेंद्र सिंह गुंदेला के खिलाफ प्रार्थना पत्र देकर चर्चा में आया अतुल जैन भूमि व्यापारी पर कल रात्रि में कुछ अज्ञात लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें वो बहुत घायल हुए हैं और उनके लिए अब झांसी रेफर कर दिया गया है। उस व्यक्ति पर जानलेवा हमला किया गया है जो व्यक्ति लगातार सुरक्षा की मांग कर रहा था। आला अधिकारियों को शिकायती पत्र देकर उसने अपनी जान पर खतरा बताया था, लेकिन ललितपुर पुलिस है कि हाथ पर हाथ धरी रखी और इसके बाद इतनी बड़ी घटना सामने आई है। जानलेवा हमला अतुल जैन पर किया गया है और अब उन्हें झांसी रेफर कर दिया गया है। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आई ललितपुर में, पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह गुंदेला के खिलाफ आवाज उठा रहे अतुल जैन पर जानलेवा हमला किया गया है। मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची है, प्रार्थना पत्र के आधार पर उन्होंने जांच आरंभ कर दी है। अतुल जैन काफी घायल हुए हैं और उनका प्राथमिक इलाज कराकर उन्हें झांसी रेफर कर दिया गया है। तो एक बड़ा घटनाक्रम ललितपुर में घटा है और कहीं ना कहीं डर और भय का माहौल बनाने का प्रयास ललितपुर के अंदर कुछ लोग करने का प्रयास कर रहे हैं और तस्वीरें इसकी गवाह हैं। जगह चाहे तो आप लोग ले लो, हमें नहीं चाहे भैया वह जगह। हमारे पूरे परिवार को खतरा है, मरवा डाल रहे वे लोग तो भैया। हमें कहा भोपाल लो चलो यार।